हाय फ्रेंड्स, मैं आराम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। इस आज मैं बात करूंगा पद्मावत के 8 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। जी हाँ, 8 दिनों का यानी कि पूरा एक हफ्ता हो चुका है गुरुवार को रिलीज हुई थी फिल्म, सबको पता है। और इन 8 दिनों में इस फिल्म ने प्रोड्यूसर्स फिगर कितना किया यानी कलेक्शंस कितना किया है, चलिए आपको बता दूं। इस फिल्म का कलेक्शंस पहले दिन का यानी पेड प्रीव्यूज जो वेडनेसडे को था वो 5 करोड़ था, फिर थर्सडे को 19 करोड़, फिर फ्राइडे को 32 करोड़ जिसे रिपब्लिक डे था, सैटरडे को फिर से 27 करोड़ की कमाई की और फिर एक उछाल पकड़ी संडे को और 31 करोड़ की कमाई की संडे को, मंडे को 15 करोड़, ट्यूजडे को 14 करोड़, वेडनेसडे को 12.50 करोड़ और जो थर्सडे की जो थर्सडे की अर्निंग आ रही है वो 11 करोड़ की आ रही है, जिसके साथ ही टोटल हुआ है 166.50 करोड़। जी हाँ, 166.50 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिए, जो कि एक अच्छी खासी अर्निंग है। अब देखते हैं फिल्म कहां तक जाती है, लेकिन इतना साफ है कि जो सेकेंड वीकेंड तक का होगा यानी कि 10 दिन तक की अर्निंग होगी वो कम से कम 200 करोड़ हो जाएगी। अब देखते हैं फिल्म का कलेक्शन कितनी स्ट्रांग होता है और कहां तक जाती है। और यहां पे एक और चीज अच्छी बात आपको बता दूं कि बाजीराव मस्तानी का कलेक्शन बहुत ही जल्द बीट करने वाली है और 200 करोड़ भी जल्दी करने वाली है। जैसे ही अपडेट होंगे मैं जरूर बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।